ग्लैमर की ब्रांडिंग मिलती है 3D में। सबसे पहले मैं आपको लगा के यहाँ पे दिखला देता हूँ, ये इसका हेडलाइट है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको LED में इसका हेडलाइट सेटअप मिलता है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। अब इस बाइक को लगभग आप 1999 रुपए की डाउन पेमेंट पे आसानी से इसे फाइनेंस करा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ लग चुका है हीरो ग्लैमर क्लासिक, जो कि LED लाइट के साथ अब लॉन्च कर दिया है कंपनी ने, और इसमें आपको कई सारे पहले से और भी बदलाव किए गए हैं, वो तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। और ये भी बताएंगे कि आप इसे फाइनेंस कैसे करा सकते हैं, इसे लोन कितना होगा, डाउन पेमेंट कितना देना होगा, और ऑन रोड जो प्राइस इसकी कितने आने वाली है, तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ओके, तो यहाँ पे हमारे सामने है हीरो ग्लैमर क्लासिक 2024 का लेटेस्ट मॉडल, जिसमें आपको अब LED लाइट देखने को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो चाबियां मिलती हैं कुछ इस तरह का, जो कि हीरो के ब्रांडिंग के साथ आता है। सबसे पहले मैं आपको लगा के यहाँ पे दिखला देता हूँ, ये इसका हेडलाइट है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपको LED में इसका हेडलाइट सेटअप मिलता है, इसमें आपको स्प्लिट हेडलाइट दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपको हाई बीम और लो बीम यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अब आपको DRL लाइट भी ऑफर कर दिया गया है, और यहाँ पे मिलते हैं आपको हीरो का 3D में लोगो, जो कि क्रोम फिनिश साथ आता है। और इस साइड देखिएगा तो यहाँ पे आपको मिलते हैं कुछ इस तरह का ग्राफिक्स। साइड में अगर बात करें इसकी टर्न इंटीरियर लाइट की, तो यहाँ पे आपको वही वाला पहले वाला जो टर्न इंटीरियर लाइट आता था वही आपको मिलता है, जो कि हैलोजन के फॉर्म में आता है। और अगर बात करें इसकी टायर की, तो देख सकते हैं यहाँ पे अब आपको C8 का टायर मिलता है। टायर साइज की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 80/118 का टायर मिलता है, और जो टायर है ये आपको ट्यूबलेस मिलने वाला है। और इसमें मिल जाते हैं आपको फ्रंट में 130 mm के ड्रम ब्रेक, और मिल जाता है आपको यहाँ पे कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इधर देखिएगा तो यहाँ मिलते हैं आपको छोटा सा एक रिफ्लेक्टर, जो कि रात के समय आपके जो गाड़ी है उसकी विजिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देता है। तो फ्रंट में देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो इसका फ्रंट लुक है ये आपको कुछ इस तरह का मिलने वाला है। और बात करें इसकी साइड प्रोफाइल की, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको साइड प्रोफाइल भी काफ़ी खूबसूरत मिलता है। टैंक के ऊपर यहाँ पे आपको ग्लैमर की ब्रांडिंग मिलती है 3D में, जो कि क्रोम फिनिश के साथ आता है। और इधर मिल जाएगा आपको FI प्रोग्रामेट का, देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिलता है कुछ इस तरह का, यहाँ पे आपको स्क्वायर शेप में इसका ग्राफिक्स मिल जाने वाला है। इधर देखिएगा तो यहाँ पे आपको किक स्टार्ट का भी सुविधा मिल जाता है, और इधर मिल जाता है आपको ब्रेक पैडल, फुट पैक मिल जाएंगे, और साइलेंसर देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का मिलता है, जिसपे आपको क्रोम का यहाँ पे जो है एलिमेंट इस्तेमाल किया गया है। और पीछे तरफ भी आपको रबर का फुट पैक मिलेगा, और पीछे की तरफ आपको ट्विन शॉक सस्पेंसर मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको रेड कलर के कुछ इस तरह का ट्विन शॉक सस्पेंसर मिल जाएगा। पीछे के टायर की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे पीछे भी आपको C8 का टायर मिलता है, और यहाँ पे जो अगर बात करें इसकी साइज की, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको 100/80/18 का टायर यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे आपको आगे पीछे जो है सेम टायर का सेम साइज का इस्तेमाल किया गया है। और पीछे तरफ मिल जाते हैं आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक, और इधर देख सकते हैं यहाँ पे आपको भी ब्लैक कलर के यहाँ पे आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि काफी शानदार देखने में लगता है। तो पीछे से देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको लुक मिल जाएगा। और बात करें इसके टेल सेक्शन की, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको LED में इसके टेल लाइट सेटअप मिलते हैं, जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरह का एरो वाले डिजाइन के साथ आता है। यहाँ पे आपको LED टेल लाइट मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाते हैं आपको हैलोजन में इसके टर्न इंडिकेटर लाइट, नंबर प्लेट लाइट यहाँ पे मिल जाते हैं, छोटा सा रिफ्लेक्टर मिलता है, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको नंबर प्लेट लगाने का स्पेस। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको पीछे का लुक मिल जाता है। इधर देखिएगा तो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर के ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, जो कि बॉडी कलर का है, और यहीं पर आपको हीरो का ब्रांडिंग भी मिल जाता है। और अगर बात करें इसकी सीट की, तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पे आपको अब इसमें सीट दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको काफ़ी कंफर्टेबल कुशनिंग के साथ सीट मिलता है। टैंक के ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे आपको E20 की ब्रांडिंग मिलती है, इससे पता चलता है कि जो गाड़ी है BJ6 फेज 2 के अपडेट के साथ आता है। और सिल्वर कलर के इसमें मिल जाते हैं फ्यूल लीड। टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 10 लीटर के फ्यूल कैपेसिटी था, तो यहाँ पे टैंक मिलता है, जिसमें आप अपने 10 लीटर पेट्रोल को फिल करा सकते हैं। और हैंडल बार के ऊपर देखिएगा तो यहाँ पे मिल जाते हैं आपको कुछ इस तरह का ब्लैक फिनिश में इसका OVMs। इधर मिल जाएंगे आपको हैजर्ड लाइट का स्विच, जी हाँ, अब आपको इसमें हैजर्ड लाइट भी ऑफर किया गया है। और यहाँ पे आपको हाई बीम लो बीम का इधर पासिंग का स्विच मिल जाता है। इधर देखिएगा तो यहाँ पे इसका हॉर्न कुछ इस तरह का, यहाँ पे आपको इसे बाइक में हॉर्न मिलता है। इधर देखिएगा तो यहाँ पे आपको i3S की ब्रांडिंग मिलती है। अब ये जो गाड़ी है, अगर आपका गाड़ी बंद भी हो जाता है, बिना गियर का भी है, तो आपको सेल्फ मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ से क्लच दबाइएगा जो है आपका, देख सकते कुछ इस तरह से आप क्लच दबाइएगा, अगर i3S ऑन है तो आपका गाड़ी यहाँ पे आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। और हैंडल का देखिएगा तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का हैंडल मिल जाता है। सेंटर में देखिएगा तो यहाँ पे आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया गया है, इसमें आप अपने स्पीड देख सकते हैं, ऑडोमीटर देख सकते हैं, फ्यूल का लेवल देख सकते हैं। इधर मिल जाएगा आपको न्यूट्रल का इंडिकेशन, i3S का यहाँ पे इंडिकेशन, इंजन चेक लाइट, यहाँ पे मिल जाएगा आपको फ्यूल इंडिकेशन, और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको टर्न इंडिकेटर लाइट, और हाई बीम लो बीम का इंडिकेशन भी मिल जाएगा। अगर साइड स्टैंड इस्तेमाल करते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको शो होगा, इससे पता चल जाएगा कि जो आपका साइड स्टैंड है गिरा है या उठा है, यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा। इधर देखिएगा तो यहाँ पे आपको मोड्स का बटन मिल जाते हैं, और यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल को भी यहाँ पे अब आसानी से चार्ज कर सकते हैं। और बात करें इस बाइक की इंजन की, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में यहाँ पे आपको इंजन मिल जाता है। इंजन की बात करें तो यहाँ पे मिलते हैं आपको 124.7 cc की BS6 फेस्ट वाला
एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो कि FI फ्यूल इंजेक्टर के साथ आता है। इंजन की पावर की बात करें तो यहाँ पे आपको 10.39 BHP का पावर मिलता है 7500 RPM पे, और यहाँ पे आपको 10.4 Nm का टॉर्क मिल जाता है। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिलता है। फ्रंट में आपको सिंगल देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नीचे तरफ एक और चार आपको ऊपर तरफ यहाँ पे गियर मिलता है। इसमें मिल जाएंगे आपको साइड स्टैंड, डुअल स्टैंड, और यहाँ पे देख सकते हैं आपको इंजन कटअप स्विच भी इस बाइक में मिलता है। और इस साइड आइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाता है कुछ इस तरह का साड़ी गार्ड जो कि ब्लैक फिनिशिंग में है, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का चेन कवर वगैरह मिलने वाला है। और बात करें इसकी डायमेंशन की तो यहाँ पे आपको 170 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है और 790 mm की यहाँ पे सीट हाइट मिल जाती है। गाड़ी की कर्व वेट की बात करें तो यहाँ पे आपको 121 kg की कर्व वेट मिलता है। गाड़ी की लेंथ की बात करें तो यहाँ पे आपको 42 mm की इसकी लेंथ मिलती है, 720 mm की इसकी विड्थ मिल जाएगी, और यहाँ पे जो इसकी हाइट है वो मिल जाती है आपको 1090 mm की, और 1267 mm की इसकी व्हील बेस मिल जाती है। और अगर बात करें इस बाइक की वारंटी की तो यहाँ पे आपको 5 साल या 70,000 किलोमीटर तक की वारंटी, इसमें स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिलती है। गाड़ी की टॉप स्पीड की बात करें तो लगभग आपको 100 तक की इसमें टॉप स्पीड, 90 से 100 तक की टॉप स्पीड मिल जाएगी, और लगभग आपको इसमें 55 से 60 तक की माइलेज आसानी से मिल जाती है। और बात करें अगर इस बाइक की एक शोरूम प्राइस की तो यहाँ पे जो इसकी एक शोरूम प्राइस है 84,648 पे इसकी एक शोरूम प्राइस जो है आने वाली है। और अगर बात करें इसकी ऑन रोड प्राइस की तो यहाँ पे जो इसकी ऑन रोड प्राइस है हाजीपुर वैशाली बिहार में चंदा मामा हीरो शोरूम में, तो यहाँ पे जो इसकी ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 99,835 रुपया आती है। अगर आप चाहते हैं इस बाइक को फाइनेंस कराना तो लगभग आपको 1999 रुपये कम से कम डाउन पेमेंट करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आसानी से फाइनेंस करा सकते हैं। जी हाँ, अब इस बाइक को लगभग आप 1999 रुपये की डाउन पेमेंट पे आसानी से इसे फाइनेंस करा सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं तमाम सारी जानकारी आपको इस हीरो ग्लैमर क्लासिक की हमारे वीडियो के थ्रू मिल चुकी होगी। और अगर चाहते हैं आप इस बाइक को लेना, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं हाजीपुर पटना वैशाली बिहार से, तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं चंदा मामा हीरो। इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, और आपको इनका जो कॉन्टैक्ट डिटेल है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का ये वीडियो, मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।